पेपरी बाग का जो एक मुख्य कारण है वो होता है इस तरह के जो बेंच कट और एंगल कट करते हैं हम अपनी टहनियों में, तो इसकी वजह से पेपरी बाग ज़्यादा लगता है। आप ये देखिए, इस तरह की स्किन हो जाती है, जो आपकी टहनी होगी थोड़ा ब्लैकिश और थोड़ा जो ये स्किन है इस तरह की हो जाएगी। आप देख सकते हो जैसे इस टहनी में हुई है। तो जो ये एंगल कट होता है, बेंच कट होता है, उसकी वजह से पेपरी बाग लगने का ज़्यादा डर रहता है। एक टहनी और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाली है, तो इसमें भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे एंगल कट दिया था। खैर अब तो पूरा हो चुका है, पर पेपरी बाग इसमें भी लगा है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ज़्यादा हैवी कट अगर हम अपनी ट्री में करेंगे और इस तरह के एंगल कट और बेंच कट अगर करेंगे टहनियों पे, तो पेपरी बाग की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, जो एंगल कट किया था मैंने तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम हुई है। ये देखिए, ये पेपरी बाग है, तो ये पूरी टहनियों में है। आप नीचे तक देख सकते हो, पूरी टहनी में है ये। तो इस तरह के कट्स आप अवॉइड ही करें अपने ट्री में।